अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों, नो रिस्पॉन्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को देनी है एक असाइनमेंट, ठीक है? अब मुझे खुद ही बता दो कि मैं असाइनमेंट आज दे दूं, पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, या मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दूं वेंसडे वाले दिन, ठीक है? मैम वेडनेसडे को दे दें काइंडली। छोटी होगी, 2-3 दिन बाद उसका रख दूंगी टाइम। वेंसडे को ठीक है? वेडनेसडे ठीक है मैम। वेडनेसडे मैम वेडनेसडे ठीक है। यस ठीक है, ठीक है, मैम। वेंसडे ठीक है। वेंसडे को मैं तुम लोगों को दे दूंगी, सही है? और ये है कि 2 से 3 दिन का टाइम होगा, छोटी होगी, थोड़ा सा पढ़ लेना। वो मैं खुद भी वेंसडे इसलिए चाह रही थी कि एक दफा रिव्यू क्लास हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे, जिस तरह का भी हमारा सीन होगा, सही है? तो अभी खैर हम उसको देखते हैं। अब मुझे जरा पोर्टल का मसला चल रहा है, थोड़ा सा मैं जरा उसको सॉर्ट आउट कर लूँ। जरा मुझे 5-7 मिनट दे दो। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ऑनलाइन वाली आवाम, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम हो रही है। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रास्ट एजेंट्स का। ये बंद कर दो, डोर बंद कर दो। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रास्ट एजेंट्स का। कंट्रास्ट के बारे में क्या जानते हो आप लोग? क्या पता है कंट्रास्ट क्या होता है? कोई बच्चा बता दे, एक बच्चा। सारे हमने यानी किसी भी जगह पे डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करना हो, ठीक है? अब अगर हम अपनी सीटी की इमेज देखें या कोई भी रेडियोग्राफी की इमेज हम देखते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमें हर चीज़ एक जैसी ही ऑलमोस्ट नज़र आ रही होती है। वही ग्रे स्केल इमेज, काला सा, चिटा सा, अजीब सा इमेज हमें नज़र आ रहा होता है, ऐसे ही है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, हमने वेसल्स कई जगह पर देखनी होती हैं, ठीक है? और कुछ हमारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है आप सबको पता होगा, मेडिसिन आप सबने पढ़ी है, सर्जरी भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। अच्छा, भी पढ़नी है, चलो कोई बात नहीं। इतना तो आइडिया होगा कि जो भी मेलिग्नेंट सेल होता है, मेलिग्नेंट टिश्यू होता है कोई भी, वो आसपास से ज्यादा आपकी जो है वो ब्लड सप्लाई लेता है, ऐसे ही होता है। सुना है इस बारे में कि जो भी आपकी मेलिग्नेंसी किसी जगह पे पड़ी होती है, जो आपका कैंसरस सेल होता है वो आसपास के एरिया से ब्लड सप्लाई लेता है, ठीक है? वो हाइपर वेस्कुलर होता है। अब हमारी बॉडी में एब्डोमिनल रीजन में या किसी जगह पे इस तरह के कोई ट्यूमर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमने बेसिकली उनको जी मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें ऐड कर दे। क्या कर दूं? ऐड कर दे मीटिंग में।
तो ऐड हो जाए क्या मतलब नहीं क्या कहाँ लिखा हुआ है मैंने वो नहीं रखा हुआ हाँ मैंने नहीं रखा हुआ वो इसलिए तो मैं गई हूँ वहाँ से लॉग करना है मीटिंग अनलॉक है मेरी लॉक तो नहीं है कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं भाई आ जाएं खुद ही मैं कहाँ से लेके आऊँ उनको तो हम बात कर रहे थे कंट्रास्ट की ठीक है तो हमने अगर हमारा कोई कैंसरस सेल है ठीक है तो उसको देखने के लिए भी हमारे पास एक अच्छी चीज़ है कंट्रास्ट ठीक है किसी जगह पे हाइपरवैस्कुलरिटी है हमें वो पता चल जाएगा वहाँ पे कंट्रास्ट अगर हम ब्लड में जाता है सारी बात है आइडिया है ना इस चीज़ का कि अगर हम आयोडिनेटेड कंट्रास्ट दे रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाता है आई वी रूट के थ्रू जब देते हैं ठीक है आई वी रूट है इंट्रावीनस रूट है इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पे आपका ब्लड जाएगा ठीक है वहां वहां पे आपका कंट्रास्ट भी जाएगा ऐसा ही है ठीक है अच्छा अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं थोड़े से रीजंस देखते हैं हम कंट्रास्ट यूज क्यों करते हैं नजर आ रहा है सबको अच्छा कि हम यार क्या मसला है ये मैंने शेयर तो की हुई है एक मिनट शेयर हो रही है यस मैम अच्छा यस मैम अब हमने रीजन देखनी है कि हम कंट्रास्ट एजेंट्स को यूज क्यों कर रहे हैं ठीक है उनको यूज करने की रीजन एक तो पहली हमने खुद ही देख ली ठीक है कि हमने क्या करना है हमने एक टाइप के टिश्यूज को दूसरी टाइप के टिश्यूज से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है ऐसा ही है डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कंट्रास्ट एजेंट्स यूज करते हैं ठीक है और वो हम कंट्रास्ट का देने का मकसद ये है कि आपके पास एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाए ठीक है डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनती है आइडिया है ना इस चीज़ का कि एक्सरेस के ऊपर या सीटी के ऊपर आपका जो भी कंट्रास्ट डिफरेंस आता है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आता है ठीक है जो ऑर्गन आपका या जो एरिया आपकी बॉडी में ज़्यादा डेंस है उसकी अटेन्यूएशन डिफरेंट तरीके से होती है ऐसा है आइडिया है इस चीज़ का ठीक है और जिस एरिया की अगर आपके पास डेंसिटी कम है तो उसकी अटेन्यूएशन डिफरेंट तरीके से होती है ठीक है किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है ठीक है अब हमने अपनी मर्जी से वो तो डेंसिटी डिफरेंट एक चल रहा था ना अपनी जगह पे अब हमने अपनी मर्जी से हमें चाहिए कि यहाँ पे कंट्रास्ट ज्यादा है यहाँ पे कम है ठीक है वो करने के लिए हम क्या करते हैं हम देते हैं अपने कंट्रास्ट अब ये कंट्रास्ट हम किन किन रूट्स के थ्रू दे सकते हैं किन किन रूट्स के थ्रू दे सकते हैं बताओ मुझे आई वी देते हैं हाँ बिल्कुल इसके अलावा ट्रांसरेक्टल और ट्रांसवजाइनल हाँ ट्रांसरेक्टल और वजाइनल हाँ ट्रांसवजाइनल भी देते हैं बिल्कुल एचएसजी जो हिस्टेरो का प्रोसीजर मैंने हाल ही पढ़ा होगा और भी देते हैं ठीक है तो अब ये कुछ रूट्स हैं जो आपके कंट्रास्ट देने के तरीके हैं ठीक है कि इन एरियाज के थ्रू हम अपना कंट्रास्ट दे सकते हैं इनहेल भी कराते हैं इंट्राथीकल भी देते हैं इंट्राथीकल का पता है डायरेक्ट सर में भी देते हैं ठीक है हाँ डायरेक्ट देते हैं सर में देते हैं यानी हेड में वो देखने के लिए वेंट्रिकल्स वगैरह के देखने के लिए ना चीज़ें अच्छा उसके बाद अब हमारे पास अगला इसमें पॉइंट क्या है कि हमारे पास वेरिंग डेंसिटी की वजह से सीटी नंबर में फर्क आएगा ठीक है सीटी नंबर का आइडिया है क्या होता है मत कहना कि तुम लोगों को नहीं पता सीटी नंबर बेसिकली क्या था कि हमारे पास जो हमारे हाउसफील्ड सर थे ठीक है जो सीटी के अबू थे ठीक है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सीटी में आपके यानी बॉडी के अंदर डेंसिटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हर कलर को हर ग्रे स्केल के शेड को एक सीटी नंबर दे दिया था ठीक है वाटर को क्या दिया था वाटर जीरो था ठीक है इसके बाद जो आपकी डेंस स्ट्रक्चर थे बोन थी वो 1000 तक जा रहा था 1000 प्लस तक जा रहा था ठीक है और आपका जो अगर एयर की बात करें तो माइनस 1000 ठीक है
तो ये आपके पास आपके सीटी नंबर थे, यानी हर शेड ऑफ ग्रे को एक एक सीटी नंबर असाइन कर दिया था, ठीक है, ताकि हमारे पास अब सीटी की जो इमेज होती है, अगर किसी ने आप में से देखी हो तो सीटी का जो अगर आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्लाइस होता है मॉनिटर के ऊपर, आप उसके ऊपर जब अपना कर्सर लेकर जाते हो ना, तो वहां पे आपको हर एरिया का सीटी नंबर नजर आ जाता है, साथ लिखा जाता है। जैसे जैसे आप कर्सर, जैसे मैं यहाँ पे घुमा रही हूँ ना इस तरह, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है, तो मैं जिस एरिया पे लेके जाऊंगी वो मुझे उस एरिया का सीटी नंबर बता देगा कि इस एरिया का सीटी नंबर ये है। सीटी नंबर आपके लिए हेल्पफुल कैसे होता है कि आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपके पास जो चीज पड़ी हुई है, आपको कोई चीज नजर आ रही है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, ठीक है। अब हमने इसकी एग्जाम्पल भी देखी थी, अगर आप लोगों को याद हो कि वॉट, हाँ, सिस्ट ऑफ वाटर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो वाटर है उसका अगर हमारे पास सीटी नंबर जीरो है, और अगर किसी चीज़ का हमारे पास सीटी नंबर फोर या सिक्स या टेन के करीब करीब आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है, जो पैथोलॉजी है, उसके अंदर कोई वाटर कंटेंट है, ठीक है, ये पता चल रहा है। लेकिन ये भी हमें क्लियर हो गया कि वो वाटर नहीं है, अगर वो वाटर होता तो जीरो होना था, इसका मतलब कि वो वाटर के साथ कोई चीज उसके बीच में ऐड हुई हुई है, इसलिए उसका सीटी नंबर चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो चेंज क्या हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, सिस्ट के बीच में सारी बात डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, चीजें हो सकती हैं काफी। तो ये हमारे पास जो एक छोटी सी एग्जांपल थी कि आप सीटी नंबर्स को किस तरह से देख सकते हो, ठीक है, यानी उनका आपके पास फायदा क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे अब हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लंग्स हैं, ठीक है, हार्ट पड़ा हुआ है, हमारी रिब्स हैं, हमारी वेसल्स हैं, पल्मोनरी वेसल्स हैं, एओर्टा वगैरह वाली चीज़ें सारी, यानी जितनी वेसल्स हैं हमारे पास वो भी हैं, ठीक है। अब जो ये रीजन है, यहाँ पे आप लोग खुद अब इस चीज़ का आइडिया लगाओ कि इस रीजन में आपके पास जो है वो डेंसिटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ की डेंसिटी अलहदा अलहदा से है, ऐसा ही है, बोन्स की थोड़ी सी अलहदा आ रही है, मतलब हर चीज़ की अलहदा आ रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बॉडी में हर जगह पर इस तरह नहीं है, ठीक है, कुछ जगहों पे आप कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ रहे हो जहाँ पे आपके पास डेंसिटी डिफरेंट, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ठीक है, एज अ सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे, ठीक है, तो उन जगहों को देखने के लिए भी हम अपने कंट्रास्ट एजेंट्स यूज करते हैं, सही है। अच्छा जी, ओरल या आईवी हम कंट्रास्ट देते हैं, टेम्पररी या आर्टिफिशियल डेंसिटी डिफरेंस होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये टेम्पररी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंट्रास्ट अगर दे दिया है तो आपका जो यानी अगर आप आई वी दे रहे हो तो अगर आपका जो ब्लड है, ब्लड की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है, आपने कंट्रास्ट आयोडीनेट दे दिया, जो आयोडीन है आपको एक्सरे के ऊपर व्हाइट नजर आता है, ठीक है, ब्राइट नजर आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो ब्लड है वो व्हाइट हो गया है, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, लोग समझ लेते हैं इस तरह की चीज़ को, ठीक है, तो ये आप लोगों ने नहीं समझना कैसे होता है। अच्छा, अगली स्लाइड है, शेयर हो रही है ये वाली ऑनलाइन वाली मैम? यस मैम, यस जी मैम, ठीक है। पहला पॉइंट वही है, वही वाली बात है कि हमने डिफरेंट इश्यूज के अंदर अपना डिफरेंट सिमिलर अटेन्यूएशन वाले होते हैं, हमने उनको डिफरेंशिएट करना होता है, वही बात है, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो है वो डाइज होते हैं वो परमानेंटली कलर नहीं करते, ठीक है, टेम्पररी होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल एंटर करने के जो वेज हैं वो कौन कौन से नजर आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, नजर आ रहे हाँ, ओरली होते हैं, बाय माउथ आप ले सकते हो, रेक्टल वे से ले सकते हो, ठीक है, एनीमा की फॉर्म में उनको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो ब्लड वेसल में इंजेक्ट करते हैं, यानी आपके पास आईवी रूट के थ्रू वो दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ी सी कंट्रास्ट की डिफ्रेंशिएशन आ गई है कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास जो सबसे एक बड़ी क्लासिफिकेशन है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रास्ट। क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रास्ट, क्या हो सकते हैं तुम लोगों के अकॉर्डिंग, अगर पढ़े हैं तो लिखा हुआ है सामने, पढ़ लो एक दफा, पढ़ लो। जो पॉजिटिव कंट्रास्ट है बेसिकली वो होता है कि आपके सराउंडिंग एरिया से हाई डेंसिटी का होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी का होगा तो आपको इमेज पे कैसा नजर आएगा, ब्राइट नजर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास इसी के ऑपोजिट चले जाओ, नेगेटिव कंट्रास्ट की बात करो तो ये आपको कैसा नजर आएगा, आपको सराउंडिंग से डार्क नजर आएगा, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी मेजर क्लासिफिकेशन है। अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा कंट्रास्ट कितने टाइप का होता है, सबसे पहले तो आप ये दो बताओगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, जो चीजें आपको ब्राइट नजर आती हैं, नेगेटिव क्या है, जो चीजें आपको डार्क नजर आती हैं, ठीक है, ऐसा ही हो गया। अब आपके पास पॉजिटिव जो कंट्रास्ट है उसकी आपके पास एग्जाम्पल क्या आती है, आपने रेडियोग्राफी तो पढ़ी है मेरा ख्याल है ना,
वही मतलब एक्सरेज और कंट्रास्ट वगैरह पढ़े हैं ना, ये प्रोसीजर्स वगैरह। अच्छा मतलब प्रोसीजर्स नहीं पढ़े उनके। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब आपके पास जो है वो पॉजिटिव कंट्रास्ट में चीजें वो आती हैं जो इमेज पे ब्राइट नजर आती हैं, ठीक है। उनकी एग्जांपल आपके पास क्या लिखी हुई है, आयोडीन और बेरियम, ठीक है। बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन होता है, ठीक है, वो देते हैं। आयोडीन, अगर कोई आइडिया हो तो आयोडीन हमें क्यों ब्राइट नजर आती है, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करे थोड़ी बहुत। नहीं वो तो एक अलग चीज चली जाती है ना। हाँ वो आप आईवी के थ्रू नहीं दे सकते हो, वो और ठीक है। एक ये रीजन है उसकी कि उसका नहीं रेडियो एक्टिव नहीं हम दे सकते। हम अभी क्या कहते हैं रेडियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम उसमें एक्सरेस पढ़ रहे हैं, जो आपकी रेडियो एक्टिव वाली चीजें आती हैं सारी वो आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन में चली जाती है, ठीक है। वो आप यहाँ से कंफ्यूज ना करना। आयोडीन वाली चीज भी जो है अगर आप वो देखने के लिए आप करते हो तो आप अपनी उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन में करते हो, इधर नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास क्या सीन है, आपके जो आयोडीन और बेरियम सल्फेट है, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इनके एटॉमिक नंबर जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा होंगे तो ये हमें अब जो इमेज है जो इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो हमें ये ज्यादा ब्राइट इमेज देगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा बेरियम की भी यही कहानी है। नेगेटिव कंट्रास्ट में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एयर या कार्बन डाइऑक्साइड हम किस तरह से दे सकते हैं पेशेंट को, क्या ख्याल है? मैम इनहेल कर रहा है, ठीक है, इनहेल करवा सकते हैं थोड़ी बहुत, करवा दी एयर इनहेल करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इनहेल करवा सकते, एयर आपने इनहेल करवा दी है, ठीक है। आपने पेशेंट को कहा है सांस खींच के रोक लें, ठीक है। ये काम आप कहाँ पे करते हो, ये वाला काम आप कहाँ पे करवाते हो? चेस्ट में करवाते हो, ठीक है। चेस्ट एक्सरे जब आप करते हो वहां पे आपका पेशेंट का सांस रुकवाने का मकसद क्या होता है? उसमें आपका सांस रुकवाने का रीजन ये है, मकसद ये है कि आप उसको चाह रहे हो कि आपके पास एक कंट्रास्ट डिफरेंस क्रिएट हो, ठीक है। लंग्स प्रॉपरली इन्फ्लेट किए हो, लंग्स इन्फ्लेट किए होंगे तो आप अच्छा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर है और कैसी है, ऐसा ही है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव कंट्रास्ट की ही, ठीक है। ये कंट्रास्ट ऐसे नहीं है कि आप बाहर से दे रहे हो या उसको किसी इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप पेशेंट को जो इनहेल कराने का मकसद होता है, ठीक है, उसको सांस लंबा सांस खींच के रोक लें, ये कहते होते हैं यूजली, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि आपके पास कंट्रास्ट जो है वो नेगेटिव कंट्रास्ट आपकी बॉडी में जाए, ठीक है। नेगेटिव कंट्रास्ट क्या है, एयर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उनको जो फजी ड्रिंक्स होती हैं वो भी पिला सकते हो। एब्डोमेन के लिए इसलिए रुकवाते हैं कि आप सांस से पेशेंट का रुकवाते हो, ठीक है, यानी लंग्स प्रॉपरली इन्फ्लेट कर जाते हैं, डायफ्राम की पोजीशन चेंज हो जाती है, ऑर्गन्स जो है वो अपनी अपनी जगहों पर ठीक सेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो ना किया हो तो फिर ऑर्गन्स जो है वो थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगहों से, ठीक है। तो उनकी यानी क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई के ऊपर भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। ये रीजन होता है कि आप सांस रुकवाते हो एब्डोमिनल रीजन के लिए भी, ताकि डायफ्राम अपनी जगह पर सेट हो, ठीक है, और बाकी सारे ऑर्गन्स उस हिसाब से अपनी जगह पर सेट हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रीजन होता है सांस रुकवाने का। उसके बाद अच्छा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ठीक है, किस तरह से करवा सकते हो, फजी ड्रिंक्स दे सकते हो, ठीक है, कोका कोला होगी, स्प्राइट होगी, ठीक है, पिला सकते हो। अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है कि आप क्या करते हो, अक्सर हमारी जो रेडियोग्राफी की स्टडीज हैं वहाँ पे ये होता है कि नेगेटिव कंट्रास्ट और पॉजिटिव कंट्रास्ट इकट्ठा देते हैं, ठीक है। इकट्ठा हम क्यों दे सकते हैं, क्यों देते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी रीज़न ये होती है, ये हम यूजली एनीमा में देते हैं, ठीक है, एनीमा के फॉर्म में देते हैं, नेगेटिव कंट्रास्ट भी और पॉजिटिव कंट्रास्ट भी। इससे आपके पास क्या होता है, ये एनीमा देंगे तो इसका मतलब कि आप अपनी इंटेस्टाइन को देखना चाह रहे हो, ठीक है। इंटेस्टाइन को देखेंगे तो ये देने का मकसद ये होता है कि जो इंटेस्टाइन की वॉल है सारी वो प्रॉपरली आपके पास एक तो इन्फ्लेट होकर आए, ठीक है, और वो उसके अंदर जो भी कोई अगर एबनॉर्मेलिटी या कोई भी इस तरह कोई लीजन पड़ा हुआ तो आपको उतना क्लियरली नजर आए, ठीक है। इसको डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा भी कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ यहाँ पे DCBE भी इसको यानी सिंपल वर्ड्स में यूज करते हैं। मैं अब दिखाती हूँ इसकी इमेज भी, पॉजिटिव कंट्रास्ट नजर आ रहे हैं किस तरह से और नेगेटिव किस तरह से है, पता चल रहा है कि नेगेटिव कंट्रास्ट पॉजिटिव में तो चलो आपको पता चल गया ना कि सारा कुछ वाइट वाइट नजर आ रहा है, तो अगर ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है तो उससे पता चलेगा आप इंटरेस्टिंग किस तरह से प्रॉपर मतलब एक शेप में आ रही है और आपको हर चीज क्लियर हो रही है, वॉल्स क्लियर हो रही है इसकी, आ रही है कि नहीं आ रही।
ये इंटेस्टाइन है आपकी, इंटेस्टाइन है ठीक है, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन है ठीक है, ये सारा एरिया जो है आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन का, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो क्लियर ठीक है, ये नीचे थोड़ा सा पॉजिटिव कंट्रास्ट है, लेकिन जो ऊपर वाला एरिया सारा ये अभी इमेज आपको मेरे ख्याल है वहां से क्लियर नहीं होगी, स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगी ठीक है। तो ये सारा जो है ये प्रॉपरली आपको एक बाउंड्री मिली हुई है कि आपकी इंटेस्टाइन कहाँ से किधर किधर जा रही है ठीक है। अच्छा अब आपके पास अगली चीज आती है जो हमने डबल कंट्रास्ट की बात की थी, वो कुछ इस तरह से जाता है ठीक है, कि आपका पॉजिटिव कंट्रास्ट भी जा रहा है साथ साथ आपका नेगेटिव कंट्रास्ट भी जा रहा है। नेगेटिव कंट्रास्ट क्या कर रहा है, वो आपकी जो वॉल है उसको हाईलाइट कर रहा है, और पॉजिटिव कंट्रास्ट जो है वो आपके जो बीच वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा है ठीक है। अब काफी कहानी हमने देख ली है नेगेटिव और पॉजिटिव की, समझ आइए कि क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं ठीक है। कंट्रास्ट एजेंट्स की सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन कौन सी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये भूले ना दोनों को सुनिए। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ना कंट्रास्ट की बहुत सी तरीकों से करते हैं ठीक है। पहले हमने बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव की सबसे बड़ी मेजर क्लासिफिकेशन है, फिर देखते हैं जी आयोडिनेटेड है या नॉन आयोडिनेटेड ठीक है, कि उसको उसमें आयोडीन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है। फिर एक क्लासिफिकेशन आती है कि वो लोअर स्मॉलर है कि हाईएस्ट स्मॉलर है ठीक है। काफी सारी क्लासिफिकेशन है, वो जितनी जितनी बढ़ाते जाओगे ना उतनी बढ़ती जाएंगी, इनका ये सीन है ठीक है। अच्छा अब हम अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं, अगली हमारी आयोडिनेटेड या नॉन आयोडिनेटेड ठीक है। आयोडिनेटेड का क्या मतलब है कि आयोडीन कंटेनिंग है, नाम से पता चल रहा है। नॉन आयोडिनेटेड में कौन सी चीज आ सकती है, बेरियम ठीक है। अच्छा अब जो हम अपने आईवी कंट्रास्ट की बात करते हैं, हम जो अपना इंट्रावेस्कुलर एजेंट जो दे रहे हैं वो कंट्रास्ट अब हम उसमें से कौन सा दे सकते हैं, बेरियम आईवी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आईवी कंट्रास्ट में बेरियम देंगे, यस मैम। ये इतनी बड़ी गलती कभी जिंदगी में मत करना ठीक है। समझ नहीं आ रही मुझे, मैं किस तरह तुम लोगों को बताऊं कि आईवी जो है बेरियम आप कभी भी नहीं दे सकते। आपकी किसी से दुश्मनी आपने उसको मारना, आप उसको बेरियम दे दो वो भी आई। बेरियम सिर्फ आप स्वेलो करवा सकते हो ठीक है, एनीमा की फॉर्म में दे सकते हो, आईवी आप उसको कभी नहीं दे सकते हो। जिस बच्चे ने भी यस मैम बोला ना, वो उसने मुझे स्पीचलेस कर दिया एकदम ठीक है, कि ना नहीं दे सकते ठीक है। क्यों नहीं दे सकते, बेरियम आपके पास सस्पेंशन की फॉर्म में होता है ठीक है, आईवी दोगे तो खुद ही समझ जाओ उसका क्या बनेगा ठीक है। वेन्स का पता है किस तरह की होती है, वहां पे आपको सस्पेंशन दे रहे हो तो दवाई फेर दोगे ठीक है, आप नहीं दे सकते। आप आयोडिनेटेड कंट्रास्ट दोगे ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल होगा आप वो दोगे ठीक है, ताकि वो इजीली जिस जिस ऑर्गन में उसने जाना है वो वहां पे जाए, सही है। अच्छा उसके बाद कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी अपने आयोडिनेटेड एजेंट्स की ठीक है, जो हम आयोडीन वाला कंट्रास्ट यूज करें उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ अच्छी हैं कुछ बड़ी फजूल सी हैं, लेकिन अब हमने देखनी है ठीक है। कहानियां भी ये लिखी हुई है कि एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा होता है, 53 होता है आपके पास बेरियम का, सॉरी आयोडीन का ठीक है। उसके बाद ये आपके पास यही रीजन होता है कि आपके पास एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छे डेनिवेशन करेगा, ज्यादा अच्छा आपके पास जो है वो ब्राइट इमेज देगा ठीक है। उसके बाद यही बात है कि ये जहां जहां पे ब्लड जा रहा है, आईवी दे रहे हो ना, जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां वहां आपका कंट्रास्ट जा रहा है, वहां जहां जिस जगह पे ब्लड ज्यादा जाएगा वहां वो आपको ज्यादा अच्छा ब्राइट इमेज देगा, जिस जगह पे ब्लड कम जा रहा है वहां पे कम कंट्रास्ट जाएगा ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप वो ट्यूमर वाली ले लो ठीक है, जहां पे ट्यूमर पड़ा हुआ है वो आपको एकदम शदीद ब्राइट नजर आएगा ठीक है, वो आपको नॉर्मल एनाटॉमी में वो चीज ब्राइट नहीं नजर आती ठीक है। लेकिन अगर वहां पे कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो वो इतनी ज्यादा उसकी हाइपरवैस्कुलैरिटी होती है कि वो आपको बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता है ठीक है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई गलत चीज पड़ी है जो नहीं होनी चाहिए ठीक है। अच्छा जी ये हम कौन सी स्लाइड अप पढ़े हैं, ये अब हम जाना है 9 पे। अच्छा सीटी स्कैन पे किसी भी इमेज को इमेज के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेपरेट एज अ सेपरेट क्या कहते हैं सेपरेट शेड ठीक है, एज अ सेपरेट शेड डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास जो है वो 10 हाउंसफील्ड यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में अगर 2000 हाउंसफील्ड का यूनिट है तो आप उसको अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ठीक है। आपके पास सीटी के ऊपर अपने जो हाउंसफील्ड यूनिट्स हैं उनका डिफरेंस 10 तक होना चाहिए, जो नंबर ऑफ हाउंसफील्ड यूनिट है ठीक है 10 तक होना चाहिए, ताकि आप अलग देख सको कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है और ये एक अलग शेड ऑफ ग्रे है ठीक है। समझ आई इस चीज की, ये वाली चीज जो है आपके एमसीक्यूज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये बड़ा पूछा जाता है कि कितने हाउंसफील्ड यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए,
ठीक है, आप जब अपना कंट्रास्ट मीडिया क्या कहते हैं डालते हो जब अपने पेशेंट के अंदर, ठीक है, कंट्रास्ट मीडिया जो भी होता है उससे आपके पास डेंसिटी डिफरेंस कितना क्लियर है। साल इस दिन हम लोगों ने की थी कि जो बर्थडे नहीं की थी, क्या बात है, म्यूट कर लें भी अपने आप को खुद ही सारे। अच्छा ये ऐसे शुगर लगता रहता तुम लोग ऑनलाइन क्लास में सारे? यस मैम, अब तो कम, लास्ट सेमेस्टर में लगा था। चलो सही है, म्यूट कर लें अपने आप को खुद ही सारे, अब मैं नहीं कर सकती सबको। अच्छा आपके पास नॉर्मल इमेज में आप डिफरेंशिएट करते हो जब आपके पास 10 हाउसफुल यूनिट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जब आप कंट्रास्ट लेते हो तो आपके पास डिफरेंस कितना बढ़ जाता है, यहाँ लिखा हुआ है 42-75 हाउसफुल यूनिट का डिफरेंस आपके पास आ जाता है। यानी पहले जो आप चीज 10 हाउसफुल यूनिट पर डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब कंट्रास्ट देने के बाद आप कितने पे कर रहे हो, इतना डिफरेंस आपको आ रहा है। तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है कि आपको बड़ा अच्छा क्लियरली स्ट्रक्चर कोई भी नजर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक आखिरी बात लिखी हुई है कि इनका कोई थेरेप्यूटिक पर्पस होता है कि नहीं होता कंट्रास्ट एजेंट्स का, हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है, इनका कोई थेरेप्यूटिक पर्पस नहीं है, हम इनको अपनी किसी थेरेपी के लिए नहीं दे रहे, हमें इनका देने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम पेशेंट को ये कहें कि आप, हाँ सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस है, ठीक है, आप सिर्फ डायग्नोज कर रहे हो, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास एक चीज आती है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, क्या होती है ऑस्मोलैरिटी, किसी को आइडिया हो क्या होती है? पहली दफा सुना होगा वैसे, मेरा तो ये ख्याल है, या अगर तो बहुत आइंस्टाइन है तो उसको शायद अपनी शायद कोई एफएससी की केमिस्ट्री याद हो थोड़ी बहुत, तो उसमें थोड़ा बहुत है, ठीक है, मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इन सॉल्यूशन और पता नहीं उसको क्या सॉल्वेंट और उस तरह की कहानी होती है, क्या चीज भी याद हो, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आप अगर हम सिर्फ अपने कंट्रास्ट की बात करें, मैं इसी केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, ठीक है, अगर हम अपने सिर्फ कंट्रास्ट की बात करें तो उसमें ये होता है कि आप अपने कंट्रास्ट का एक तरह से ही समझ लो कि उसकी थिकनेस देखते हो, ठीक है, कि वो आपके ब्लड, आपने उसको कंपेरिजन करना होता है ब्लड के साथ, ठीक है, ब्लड के साथ आप कंपेरिजन करते हो कि आपको क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इन अ सोल्यूशन कितने हैं, ठीक है, यानी जो सोल्यूशन आप पेशेंट को दे रहे हो, ठीक है, कंट्रास्ट मीडिया पेशेंट को दे रहे हो, उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एज कम्पेयर टू ब्लड कितने हैं, ज्यादा है या कम है, ठीक है। हाँ विस्कोसिटी भी हम अलहदा से भी देखते हैं लेकिन ऑस्मोलैरिटी में बेसिकली वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास ऑस्मोलैरिटी के बेस पे आप कंट्रास्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो दो तरीकों में, ठीक है, दो तरीके कौन से हैं, हाई ऑस्मोलर है, ठीक है, और लो ऑस्मोलर है। अब इसको आप क्या करते हो, ये अगर आप लोगों ने शायद कभी नाम सुने हो तो होकम और लोकम कहते हैं इनको, HOCM और LOCM, अगर किसी बच्चे ने कहीं पर इंटर्नशिप की है या कुछ भी किया उसको शायद आइडिया हो कि अक्सर जगहों पे होकम और लोकम का वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। HOCM और LOCM वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास यही कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है, उसमें से आपके पास एक हाई ऑस्मोलर होता है, ठीक है, दूसरा लो ऑस्मोलर होता है। इसका क्या मतलब है कि जो हाई वाला है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो ब्लड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो आपका लो ऑस्मोलर है उसकी ऑस्मोलैरिटी भी आपके पास ब्लड से ज्यादा है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, 2-3 times, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसकी आपके पास कोई 7-8 times, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके पास ऑप्शन है दोनों, ठीक है, आपका पेशेंट बैठा हुआ है, आपके पास दोनों अवेलेबल है, आप उसको कौन सा कंट्रास्ट देना चाहते हो, HOCM दोगे या LOCM दोगे, आप लोगों के ख्याल में कौन सा बेहतर रहेगा? मैम लो वाला, क्यों, क्योंकि लो है, कोई और रीजन? कॉमन सेंस की बात है ना, हमें अपने ब्लड से इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं ना चाहिए कि उसकी ऑस्मोलैरिटी इतनी ज्यादा हो जाए, ठीक है, हमें इतना चाहिए जो हमारे पास थोड़ा सा सेफ हो, ठीक है, अच्छा इमेज दे, अच्छा इमेज अगर आपको HOCM दे रहा है LOCM दे रहा है लेकिन एक के साइड इफेक्ट्स आपको लगता है कि ज्यादा हो सकते हैं, एक के साइड इफेक्ट कम होंगे तो कम वाला दोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा होता इसलिए है कि जब ये सारी चीजें नई नई बनी थी ना तो ये उस टाइम आया था, ठीक है, उस टाइम आया था। LOCM मेरा ख्याल है कोई आए हैं 90s में जाके, ठीक है, ये वाला पहले आया था 70s में जब ये CTP की कहानी शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक और रीजन ये थी कि जो HOCM है ना वो रिलेटिवली सस्ता है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, और जो आपका लोकम है ये काफी महंगा है, यानी अब भी इसकी प्राइस जो है ना वो कोई 5,000-5,500 इतनी है,
ठीक है, हर बंदा नहीं अफोर्ड करता, ठीक है। आप पहले अपने प्रोसीजर के पैसे अलग दे रहे हो, कंट्रास्ट आपको ऊपर से अलग 5-6 हज़ार का लेना पड़ा है, तो ये थोड़ा सा मसला आ जाता है, ठीक है। तो HOCM देने का रीजन ये होता है, अभी भी दिया जाता है काफी लोगों पे, ठीक है, उसको देने का एक रीजन यही होता है कि पेशेंट अगर आपका ठीक है, आपको आपने उसके क्या कहते हैं RFTs चेक कर लिए, रीनल फंक्शन टेस्ट आपका सही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट सस्टेन कर सकता है, उसको मसला नहीं होगा, उसकी किडनीज ठीक रहेंगी, आप उसको HOCM दे सकते हो। अभी भी दिया जाता है लोगों पे, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि महंगा दे दो लेकिन उसके साइड इफेक्ट कम हो, ठीक है। लेकिन साइड इफेक्ट आपको नुकसान किसको होगा, पेशेंट को, ठीक है। साइड इफेक्ट जिनके हम मेरे ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अब आपके पास इनकी वैल्यूज लिखी हुई है, कितने ज्यादा होते हैं, 2-3 times वाले का, 4-7 या 4-8 times वाले का, ठीक है, वैल्यूज आप लोगों का काम है। अच्छा, हमारे पास एक थर्ड टाइप भी आती है, वो है आइसोस्मोलर, ठीक है। नाम से क्या लग रही है, क्या हो सकता है, इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो आपके ब्लड से सेम होगी, ठीक है। ये भी इन प्रैक्टिस है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रेयर है, महंगा है, उन दोनों से ज्यादा महंगा है, ठीक है। और हमारे पास ये मेडिकल में ही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपकी आपने अपनी चीज की क्या कहते हैं प्रैक्टिस तो देखनी होती है, एप्लीकेशन तो देखनी होती है, साथ आपने उसकी प्राइस भी देखनी होती है, ठीक है। इवन आप जो अपने CT MRI वो भी करवाते हो, तो वो भी आप ये देख कर ही करवाते हो कि आपको जरूरत किस चीज की है, और अगर वो काम आपका पेशेंट की जेब के ऊपर भारी नहीं है तो आप वो सस्ते में भी कर सकते हो। आप MRI करवाना चाह रहे हो, लेकिन वही चीज अगर आपको CT में भी उसी तरीके से नजर आएगी, तो फिर आप कोशिश ये करोगे कि आप उसको MRI ना करो, आप उसका CT करवा लो, ठीक है। ये चीज आती है, अच्छा जी। अगली चीज आपके पास आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मेरे ख्याल सबको पता होगा, थिकनेस होती है सिंपल वाली, ठीक है, कि क्या है, किसी भी कोई भी आपके पास मटीरियल है, आप जैसे ब्लड है उसकी विस्कोसिटी कैसी है, वाटरी कैसी है, वाटर की ज्यादा है कि ब्लड की ज्यादा है, ब्लड की ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, थिकनेस और फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड एज इट फ्लोज, और उसके बाद ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ब्रांड के ऊपर, ठीक है। यानी कंट्रास्ट डिफरेंट कंपनीज बना रही है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बेतहाशा ब्रांड है, ठीक है, तो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो अपना जो मॉलिक्यूल है या जो अपना पूरा एक स्ट्रक्चर है सॉल्यूशन है उसको कितना विस्कस रख रहे हैं, कितना पतला रख रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो अपनी चॉइस से कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर है, अगर हाईली विस्कस होता है आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, ज़्यादा टेम्परेचर करते हो, थोड़ा सा गर्म करते हो, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है उसके ऊपर, या कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया, ठीक है। ये आपके पास अब इसकी विस्कोसिटी थी, सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगली चीज आती है आपके पास आयनिक या नॉन आयनिक, इस बेस पे भी हम कंट्रास्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ डिवीजन है, अभी तक हम कितनी पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव थी, दूसरी आयोडिनेटेड नॉन आयोडिनेटेड थी, ठीक है, नहीं उसके बाद ऑस्मोलर वाली भी थी, ठीक है, और अब ये आपके पास फोर्थ टाइप आ रही है, ठीक है, कि आपके पास एक तो वो कंट्रास्ट मीडिया होता है जो आयनिक होता है, ठीक है, और एक होता है जो नॉन आयनिक होता है। क्या मतलब है आयनिक होता है और क्या मतलब है नॉन आयनिक होता है, जो डिजोल्व तो हो जाते हैं लेकिन अपने आयन्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री किसी को याद हो तो कि आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते थे, ऐसी चीजें होती थी जिनको आप किसी और सॉल्यूशन में डिवाइड करते वो सॉरी क्या करते डिसॉल्व करते थे तो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है, और ये कोई इतना अच्छा फिनोमेना नहीं होता था हमारे पास, अगर थोड़ी बहुत किसी को केमिस्ट्री याद हो तो, ठीक है। आयंस हमें आयंस बेसिकली नहीं चाहिए होते, आयंस हमारी बॉडी के लिए कोई खास अच्छे नहीं होते, ठीक है। अगर आपके पास कंट्रास्ट मीडिया है, एक तो आयनिक है दूसरा नॉन आयनिक है, तो आप कौन सा देना चाहोगे अपने पेशेंट को, नॉन आयनिक, ठीक है। आयनिक क्यों दोगे, क्योंकि वो बॉडी में जाके आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट होगा तो वो डिफरेंट तरह के साइड इफेक्ट करेगा, साइड इफेक्ट क्या करेगा वो हम अपने जो हमारा साइड इफेक्ट वाला अच्छा खासा लंबा लेक्चर होता है उसमें हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप अभी तक के लिए आपके लिए इतना काफी है कि आप अब देखो कंट्रास्ट अब आपके पास किस तरह से आ रहा है, आप लोअर स्मोलर दोगे कि हाईएस्ट स्मोलर, आयनिक दोगे कि नॉन आयनिक दोगे, नॉन आयनिक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने अपना जो कंट्रास्ट सिलेक्ट करना है उसका आपने क्लियरेंस रेट भी देखना है। क्लियरेंस रेट बेसिकली क्या हो सकता है कि वो कोई बताओ बॉडी में से किस तरह से एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, आपने उसका क्लियरेंस रेट भी देखना है, ठीक है। और क्लियरेंस रेट आप किस तरह से देखते हो, वैसे क्या
हाँ कितनी देर बाद बॉडी से निकल रहा है। वैसे आप नहीं इसको कैसे पहले कैसे देखते हो, आपको कैसे पता चलता है कि ये पेशेंट सूटेबल है? अभी मैंने बताया आरएफटी करवाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। आपने उसका क्रिएटिनिन देखना होता है, जीएफआर देखना होता है, ठीक है। ये चीजें देखते हो, इससे आपको पता चलता है उसकी किडनी फंक्शनिंग है, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास ये वाले कंट्रास्ट मीडिया है, ये एक्सक्रीट कहाँ से होते हैं? किडनीज के थ्रू होते हैं, ठीक है। आपके किडनी ने इनको फिल्टर करना होता है। अगर पेशेंट का यूरिनरी सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, उसकी किडनीज फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है, उसका जीएफआर या उसके जो क्रिएटिनिन है वो खराब हुआ हुआ है, तो आप उसको कंट्रास्ट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, नहीं। क्या करोगे फिर उसका? कंट्रास्ट नहीं दोगे, लेकिन पेशेंट आ गया, मजबूरी है आपके, आप उसको, आप उसका लीजन देख ही नहीं सकते, वो विदाउट कंट्रास्ट नहीं आप देख सकते, फिर आप क्या करोगे? बगैर कंट्रास्ट को तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको लीजन नहीं नजर आएगा अपना, जो आपका ट्यूमर बड़ा है वो नहीं आपको नजर आएगा, आप क्या करोगे? एनीवन ऑनलाइन वाले बच्चों, आयनिक तो हम उसको पहले ही नहीं दे रहे ना, आयनिक तो हम ये नहीं, आयनिक को तो हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सस्ता आयनिक भी है, लेकिन हम आयनिक को भी अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं देना चाह रहे, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं हम नॉन आयनिक कंट्रास्ट ही दें, ठीक है। हालांकि जो नॉन आयनिक ज्यादा होता है, बात जो चीज इधर महंगी होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उधर से आपका जो एलओ सी एम है वो महंगा है, ठीक है, इधर से आपका नॉन आयनिक महंगा है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा पेशेंट आ गया, आप क्या करोगे यार उसका? कुछ कहीं और चले लो, नहीं वो अगर उसके नहीं कर सकते, डोज नहीं कम कर सकते, आपको एक स्पेसिफिक डोज ही चाहिए एक लीजन को देखने के लिए, ठीक है। मैम हम उसे को मैम एमआरआई का कर देंगे, यही बात मैं सुनना चाह रही थी, ठीक है। सिटी में नहीं रहना, आप सिटी से बाहर निकलो, ठीक है, आप उसको किसी और जगह पे भेजो, ठीक है, उसका एमआरआई करवा लो। एमआरआई का कंट्रास्ट रिलेटिवली, बल्कि रिलेटिवली क्या, बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। एमआरआई के कंट्रास्ट के ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आपका पेशेंट आया है वो नहीं अगर करवा रहा, यानी उसका रीनल फंक्शन बिल्कुल तबाह हुआ है, ठीक है, खराब भी नहीं है तबाह हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको एमआरआई की तरफ भेजोगे, ठीक है। क्यों भेजोगे? क्योंकि रिलेटिवली सेफ है, ठीक है। हाँ करता है, नेफ्रोपैथी करता है, हाँ एमआरआई वाला उस तरह से नहीं करता जिस तरह से ये तबाही मचाता है। इसके लिए आपका पेशेंट ये नहीं, अभी भी इस तरह होता है क्लिनिकल सेटिंग में, अगर आप लोग जाओ तो शायद आप लोगों को आइडिया हो कि अभी भी इस तरह होता है कि अगर किसी पेशेंट का थोड़ा बहुत भी डिरेंज है ना, आरएफटी डिरेंज है, तो वो उसको सीटी से बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल मना कर देते हैं। ये भी नहीं कहते कि चले देख लेंगे, ये बाद में कर लेंगे, ये कर ले, इस तरह भी नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं हमने आपको, आपको करना ही नहीं है, आप जाओ कुछ और करवाओ। कुछ और क्या करवाओगे? अगर अल्ट्रासाउंड से गुजारा हो रहा है वो करवा लो, नहीं हो रहा तो एमआरआई करवाओ। एमआरआई का कंट्रास्ट रिलेटिवली सेफ है, उसको देने के बाद भी आप पेशेंट को एडवाइस यही करते हो कि भाई आपने पानी पीना है, पानी पीते जाओ और अपना कोशिश करो कि कंट्रास्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट करते जाओ, ठीक है। ये आपके पास एक रीजन है। क्लियरेंस अब हाफ लाइफ जो इसकी है कि वो यूजुअली कितनी देर में पूरा अपनी हाफ लाइफ पे पहुंच जाता है, हाफ लाइफ का आइडिया होगा मेरे ख्याल, एनएम पढ़े हो ना आप लोग, पता होगा हाफ लाइफ क्या होती है, क्या होती है? अपनी ओरिजिनल वैल्यू के वो हाफ पे रहते हैं, ठीक है, वो आपकी हाफ लाइफ होती है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी हाफ लाइफ है वो कितनी है, पढ़ लो यार नीचे लिखी हुई है, 2 आवर्स, ठीक है, नॉर्मल रीनल फंक्शन वाले बंदे के पास, ठीक है। ये नहीं है कि उसका रीनल फंक्शन दबा हुआ है और आप कह रहे हो कि 2 घंटे में उसका बाहर निकल आएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा डोज अब आप कितनी देते हो? सबसे पहले तो ये है कि आपके पास डोज जो है ना वो स्टडी डिपेंडेंट होती है, ठीक है, जो स्टडी आप कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या देखना चाह रहे हो, आपके रीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात यह कि आपके पास जो आपकी डोज है वो डिपेंड करी होती है पेशेंट के वेट के ऊपर, ठीक है, हाँ एज के ऊपर भी बिल्कुल। एज जो है, अगर आपके पीडियाट्रिक पेशेंट है तो पीडियाट्रिक पेशेंट की डोज लिखी हुई है कितनी होती है, पढ़ो। ये एक आइडियल सी सिचुएशन है, ठीक है, आप क्लिनिकल सेटिंग में इससे कम भी दे सकते हो, ठीक है, तो लेकिन ये बुक वाली वैल्यूज हैं तो आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आप में से जो बच्चे जा रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि वो इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे ही वैल्यू देती है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक आइडियल सी बात है कि जो हमारे पास पीडियाट्रिक पेशेंट है तो आप उसके लिए क्या करते हो, 2 ml/kg के हिसाब से उसको कंट्रास्ट देते हो,
और स्टडी डिपेंडेंट है, जो स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कितना देना है। फिर आपका वेट बेस्ड है, वेट बेस्ड किस तरह से है लिखा हुआ है, पढ़ो समझ आइए क्या लिखा हुआ है। आगे 1.5 ml पर केजी तो देना है, लेकिन 200 ml से एक सीड, उसको क्या कहते हैं, एक सीड आपने नहीं करना, ठीक है, ओवरडोज नहीं करनी कंट्रास्ट की, के पेशेंट अगर बहुत मोटा तो कंट्रास्ट देते जा रहे हो उसको, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मैक्सिमम एक वैल्यू रखी हुई है कि आप या 180 तक या 200 तक देते हो, उससे ज्यादा नहीं देते, उसमें जो नजर आ गया तो आगे बस सही है, क्योंकि आप फिर पेशेंट को खुद लेके जा रहे हो उसकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट की तरफ, ठीक है, ऐसा आप नहीं करना, ठीक है। ये आपकी थोड़ी सी छोटी सी तो नहीं है, खैर काफी लंबी बात होगी, आपके आइडियोनेटेड कंट्रास्ट में, ठीक है, समझ आइए आइडियोनेटेड कंट्रास्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किन बेसिस पे हम उनको देखते हैं, हमने उनको सिलेक्ट किन बेसिस पे करना है, समझ आइए सबको, ढाई सोई शक्ल तुम लोगों की लेकिन समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है बेरियम सल्फेट, आयोडिनेटेड कंट्रास्ट हो गया, अब आप देख रहे हो बेरियम, ठीक है, बेरियम, बेरियम क्या है देखो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, शुक्र है, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास क्या करता है, आप अपने सीटी में बेरियम दे सकते हो कि नहीं दे सकते, पहले मुझे ये बताओ, सीटी में बेरियम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, पानी में डाल के उसमें डाल के, हाँ, ये वाली प्रैक्टिस जो है ये हमारे यहाँ पे करते हैं, ये उतनी सेफ नहीं है, ठीक है, हाँ, आइडियली ये होता है, करना ऐसे चाहिए, ठीक है, कि इसके स्पेसिफिक से आपको मिलते हैं सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, उसमें जो बेरियम हम अपने यूज करें रेडियोग्राफी में, ये बेसिकली जो प्रोसीजर ना ये रेडियोग्राफी वाले होते हैं, ठीक है, जो सारे क्या कहते हैं, ये जितने भी प्रोसीजर है, HSG वगैरह हो गए और सारे हो गए, ये आपके रेडियोग्राफी वाले प्रोसीजर हैं, जो कंट्रास्ट आप इनके अंदर यूज कर रहे हो, बेरियम एनीमा वगैरह सारे वाले, ठीक है, जो कंट्रास्ट, जो बेरियम आप इनके अंदर यूज कर रहे हो, आप वही बेरियम पानी में घोल के पेशेंट को नहीं दे सकते अपने सीटी में, हम देते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ नहीं है और ये आइडियली नहीं होना चाहिए, किसी जगह पर रिकमेंडेड नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक से अलहदा से बॉटल आती है, अलहदा से सोल्यूशन आते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत बेरियम जो मिक्स किया होता है, लिखा है 1-3% जो बेरियम सल्फेट है उन्होंने उसको सॉल्यूशन बनाया होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, आप वो पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे हम करते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके बाद आपके पास चीज आती है कि हम सीटी को क्यों नहीं, सीटी वाला जो हम रेडियोग्राफी वाला कंट्रास्ट है वो सीटी में क्यों नहीं दे रहे, उसकी रीजन लिखी हुई है, सेकेंड वाला पॉइंट है, पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है, क्या समझ आई है इसमें, ये होता है कि अगर आप नॉर्मल वाला अपना जो बेरियम देते हो उसके अंदर उसका क्या, उसका सीन होता है कि वो थोड़ी देर बाद जो है वो सेटल होना शुरू होता है, सेटल ये कि उस जगह पे एक तरह से समझ लो कि थोड़ा सा जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, बैठ जाता है उस जगह पे, ठीक है, तो आपको अपने सीटी के इमेज के लिए वो चीज़ नहीं चाहिए कि वो आपने कंट्रास्ट दिया वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो गया, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको तो ये चाहिए ना कि वो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो उसको हाईलाइट करे, ठीक है, आप अपनी अगर अपनी बाउल मूवमेंट्स देखना चाह रहे हो, अगर अपनी बाउल्स का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो इंटेस्टाइन का, तो आप ये देखना चाह रहे हो कि वो उसको हाईलाइट करे, ये तो नहीं देखना चाह रहे हो जाकर उसको ब्लॉक कर दे, ऐसे ही है ना, ये तो नहीं ना देखना चाह रहे हो जाकर उसको ब्लॉक कर दे, आपको नजर ही ना आए कि बीच में हो क्या रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप उसको कोशिश ये करते हो कि आप जो नॉर्मल वाला बेरियम सल्फेट आपका सस्पेंशन है जो आप अपने रेडियोग्राफी में देते हो वो आप अपने पेशेंट को इसमें नहीं देते, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी में डिजॉल्व करके हमारे चलता है हम देते हैं, हाँ जी आईटी के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा नहीं यूज करते, बेरियम कर रहे हैं लेकिन वो भी रेडियोग्राफी में करते हैं, इसमें नहीं करते, सीटी में नहीं करते बेरियम वाला, उसका भी वैसे भी उसमें यही होता है कि जो बेरियम का ये जो है ना बेरियम सल्फेट का जो सस्पेंशन होता है मटेरियल होता है उन्होंने बेरियम की क्वांटिटी कम रखी होती है, उसका सोल्यूट ज्यादा बनाया होता है, ठीक है, वो यानी सेफ होता है आपके सीटी के हिसाब से, क्या आपने ये नहीं सिर्फ हाईलाइट करना है ना किसी स्ट्रक्चर को, तो उस हिसाब से डोज होती है, हाईलाइट करने के लिए काफी होती है, ये वाला तो अच्छा खासा बेरियम होता है, तो आप दो तो पूरा पूरा जाके ना एक ब्लॉब सा बना देता है किसी जगह पे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है कितनी होती है, मिनिमम ऑफ 500 ml ऑफ डाइल्यूट बेरियम सल्फेट इज गिवन 45 मिनट्स टू 2 आवर्स बिफोर स्कैनिंग, ठीक है, 45 मिनट से 2 घंटे पहले आप उसको पेशेंट को अपना जो डाइल्यूटेड वाला सोल्यूशन है वो देते हो, डाइल्यूटेड मतलब जो होना चाहिए आइडियली, जो कि हमारा नहीं है, ठीक है, हमारे पास नहीं है। अच्छा जी,
स्मॉल बाउल वगैरह को देखने के लिए आप 200 ml उसको एक्स्ट्रा भी दे सकते हो बिफोर स्कैनिंग, ठीक है? आपको इस चीज का तो आइडिया है कि आपके यानी बाउल मूवमेंट्स किस तरह से जा रही है, पहले स्टमक में कोई चीज जा रही है फिर स्मॉल बाउल में, ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो अगर आप अपनी स्मॉल बाउल को देखना चाह रहे हो और अपने स्टमक को देखना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो कि आप उसको देते हो कंट्रास्ट, ठीक है, और जो उसको पहले देते हो अपने स्कैन से बिल्कुल पहले देते हो ताकि आपका जो स्टमक है और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है? उसके बाद अगर फिर आप लार्ज इंटेस्टाइन देखिए तो उसमें आप वेट भी कर सकते हो, सही है? अच्छा, अब आपके पास आ रही है, अच्छा, बेरियम सल्फेट कब नहीं देना चाहिए, ये कब नहीं देना चाहिए? सर्जरी के किसी पेशेंट की अगर सर्जरी होने वाली है या सर्जरी होनी हुई है आप नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? वही रीजन है, सेटल हो जाता है, हाँ ऑलरेडी हुई है तो आप नहीं दोगे। अगर आपके पास आपकी बाउल परफोरेटेड है, परफोरेशन का क्या मतलब है? क्रॉक हुए हैं, परफोरेशन क्या होती है? अल्सर टाइप कह लो, ठीक है, पंचर्स हुए हुए हैं, आपकी बाउल ठीक नहीं है, अगर आप पेशेंट आपको कोई भी किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो आप उसको ये नहीं दोगे। अगर आप कंट्रास्ट दे देते हो, परफोरेशन हुई थी आपको नहीं पता था पेशेंट को परफोरेशन हुई हुई है, ठीक है, बाउल में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, परफोरेशन हुई हुई है, नहीं आपको नहीं पता था, आपने कंट्रास्ट दे दिया, उससे क्या होगा? पढ़ो क्या होगा? पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा, बेरियम पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, पेशेंट आपका मर सकता है, ठीक है? बेरियम देने के लिए आपको ये नहीं है कि आपका पेशेंट आया आपको पता चला कि आपने इसको बेरियम देना था, आपने इसकी जीआई की स्टडी करनी थी, आपने उसको दे दिया बेरियम, ऐसे नहीं करना कभी भी, ठीक है? प्रॉपर कंफर्मेशन होगी, उसके बाद आप उसकी हिस्ट्री देखोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपने उसको बेरियम देना था, ठीक है, या आपने उसको आइडेंटिटी कंट्रास्ट देना था, ठीक है? अच्छा जी, ये वही बात है, मोर्टेलिटी रेट उसकी ज़्यादा है, अगर आपने देना है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट किससे कर सकते हो, जो भी आपके पास वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है उसके साथ, ठीक है? समझ आए कंट्रास्ट थोड़े बहुत? ऑन एंड वाली आवाम? यस मैम, यस मैम, क्लियर हुए? इनको अब आपने याद रखना है, तो जो आपके अब ये याद रहेंगे तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर तक, इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह मैम, नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इनका एक वो पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, इनका साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों होते हैं, और थोड़ा बहुत पिछला भी रिव्यू करेंगे और साथ इसको भी देखेंगे, अगर देखना हुआ नहीं तो हम पिछला ही रिव्यू कर लेंगे, वो फिर मैं डिसाइड कर लूंगी इससे ज्यादा, ठीक है? अच्छा मैम, हमारी यूनिवर्सिटी सील हो रही है। अच्छा, कब कह रहे हैं? कोरोना के टाइम में तो सील हो रही है। है ना, करो अल्लाह करे हो ही जाए। ग्राफिक डिजाइनिंग के मैम काफी डिपार्टमेंट में कोरोना पेशेंट, पता नहीं मुझे इस बारे में बेटा कोई आईडिया नहीं है, पता चलेगा तो सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है, कि सील हो गई है तो आराम से घर बैठेंगे, ठीक है? अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का? ओ मैम, मैम कैसे पता चलेगा कि आइसोमोलर कंट्रास्ट देना है या लो वाला देना है? ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि एक तो आपको पेशेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है आपको उससे आइडिया होगा कि पेशेंट आपका अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, एक आपकी ये चीज़ है। दूसरी आपकी चीज़ ये है कि आपने पेशेंट की कंडीशन देखनी है, अगर वो थोड़ा यंग है, उसके किडनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोटा मोटा रीजन है जिसकी वजह से वो सीटी करवा रहा है तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है? और आप इस किस बेस पे करोगे, और वैसे आपकी फैसिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करे कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कंट्रास्ट अवेलेबल कौन से, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ उन्होंने एलओसीएम रखा ही नहीं होता, वो चाहते ही यही है कि जो है ना एचओसीएम दे दो, बस सीटी करो फारिग करो, ये सीन होता है, ठीक है? अक्सर जगहों पर ऐसे भी होता है, लेकिन जो अच्छी फैसिलिटीज है वहाँ पर उन्होंने एलओसीएम रखा हुआ है, ठीक है, वो चाहते हैं कि उन्होंने एचओसीएम नहीं रखा होता, ठीक है, कि हमें ये रखना ही नहीं है, जो एलओसीएम है आप वो रखो, अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है, पेशेंट आएगा पैसे उसको देने पड़ेंगे लेकिन वो करवाएगा, ठीक है? तो ये दो चार फैक्टर हैं जिनकी बेस पे आप ही डिसाइड करते हो, ज्यादातर डिसाइडिंग फैक्टर वैसे अवेलेबिलिटी होता है कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, अगर अवेलेबल है तो कोशिश यही करोगे एलओसीएम भी दो,
और मैम आइसोमोलर जो कंट्रास्ट एजेंट होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं इन दोनों से या कम? आइसोमोलर के आइसो के इन दोनों से कम होते हैं. Yes, सबसे ज्यादा जो है ना वो HOCM के ही होते हैं. ठीक है, LOCM के कम होते हैं. ठीक है, काफी कम होते हैं. HOCM के जो आइसोसमोलर है उसके भी कम होते हैं. ठीक है, ये हम जब अपने साइड इफेक्ट्स वाला पढ़ेंगे ना उसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि किसके कम होते हैं और उसकी रीजन क्या है कि क्यों कम होते हैं. ठीक है, अभी थोड़ा रखो. ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें हाई ही देना होता है? नहीं, ऐसे कैसी कोई कंडीशन है जिसमें मजबूरन आपको हाई ही देना पड़े? लो आपका अच्छा इमेज बनाता है, बहुत अच्छा, जैसे नॉर्मल कंट्रास्ट होता है वैसे ही होता है, बल्कि वो फायदा ज्यादा देता है. ठीक है, बस चलो अटेंडेंस जो है वो तुम लोगों की अब जो है. अच्छा, मैं लेक्चर बंद कर दूं यहाँ से? तुम लोगों को इशू तो नहीं है क्वेश्चन वगैरह किसी ने ऑनलाइन वाली वाम? नो मैम, लीव कर दें. नो मैम, ठीक है मैम. अटेंडेंस नहीं हो रही मेरे. अटेंडेंस बेटा किसी की भी नहीं हुई क्योंकि मेरा पोर्टल नहीं खुला. ठीक है, तो मैं खोल के उसमें फिर देख लूंगी. मैम मेरी आज तक किसी लेक्चर की भी नहीं लगी अटेंडेंस, बस एक की लगी है, वो भी अपसेट लगाई हुई है आपने लास्ट लेक्चर. अटेंडेंस क्यों नहीं, लास्ट लेक्चर क्यों नहीं लगी आपकी? मैम मेरी अटेंडेंस एक भी लेक्चर की नहीं लगी हुई जबकि मैंने लिए हैं सभी. चलो मैं उसको चेक कर लूंगी, मैं देख लूंगी अगर जहाँ पे हुआ ना. चलो सही है.